हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्भगुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव, आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के छठे वीक में आपके साथ क्या हो रहा होगा, आप क्या क्या नए सिम्टम्स फील करेंगे, आपके साथ क्या क्या फिजिकल मेंटल लेवल पर बदलाव आएंगे, अंदर आपके बच्चे के साथ क्या हो रहा है, बेबी कितना बड़ा होगा, उसका ग्रोथ कैसा हो रहा है, ये सब हम बात करेंगे। इस वीक में मिस कैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यदि ये आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो मिस कैरेज प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप लेना है, और यदि आपकी पहले भी हिस्ट्री रही है मिस कैरेज की तो एक्स्ट्रा आपको क्या केयर करनी है, ये सब मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो आखिर तक देखना ना भूलेगा। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो पहले लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, पास वाला बेल आइकॉन भी प्रेस करना ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ फ्रेंड्स, हर वीडियो के एंड में आपके लिए स्पेशल टिप्स रहेगी जो आपको प्रेगनेंसी स्मूथली कंटिन्यू हो उसमें हेल्प कर पाएगी। तो ये नानीज नोट देखना बिल्कुल मत भूलेगा। तो चले फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं आपके बेबी के साथ क्या हो रहा होगा, उसका ग्रोथ इस वीक में कैसा है। तो आपका जो बेबी है वो अभी कितना होगा, एक पोमग्रेनेट है जो उसकी दाना होता है एक उसकी साइज का, या फिर आप बोल सकते हैं एक मटर होता है उसका दाना होता है उसकी साइज 20 mm तक हम रफली काउंट कर सकते हैं, उतनी आपके बेबी की साइज होगी। और उसका लुक कैसा होगा, तो यहाँ पर मैं इमेज रख देती हूँ, बिल्कुल ऐसा ही आपका बेबी दिखता होगा, बिल्कुल एक टोडपोल की तरह, एक उसमें टेल भी होगी। तो ये जो टेल आप देख रहे हैं वो आगे चल के आपके बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड बनेगी, यानी कि रीढ़ की हड्डी में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके छोटे छोटे जो दो पोल दिख रहे हैं बर्ड्स जैसा, वो आगे चल के हाथ और पैरों में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी तक उसका फेशियल जो शेप होना चाहिए वो अभी इतना अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होगा, ना ही उसके नोज डेवलप हुआ होगा। तो फेशियल जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो अगले वीक में होगा। अभी आपके बच्चे का हार्ट बन गया होगा, उसमें FHS यानी कि हार्ट बीट भी आ गए होंगे, उसके बाकी के ऑर्गन ब्रेन लंग वगैरह भी बनना स्टार्ट हो गया होगा। तो इस वीक में आपका बेबी का ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है। यदि आप गायनेक के पास गए और वहाँ पर FHS नहीं आए हैं तो आपको ध्यान में रखना है, आगे के स्टेप करना है, उसको हम मिस कैरेज बोलते हैं। तो इस वीक में FSH आ ही गए होंगे, यानी कि आपके बच्चे की धड़कन आपको इस वीक में दिखाई देनी ही चाहिए सोनोग्राफी में। तो अभी तक आपने अपनी पहली गायनेक अपॉइंटमेंट बुक नहीं करवाई है, पहली सोनोग्राफी नहीं करवाई है, तो पहले जाइए और सोनोग्राफी में कंफर्म कीजिए कि FHS आ गए हैं या नहीं। तो ये थी आपके बच्चे के साथ क्या क्या ग्रोथ हो रहा है, उसके साथ क्या क्या हो रहा है ये बात। अब बात करते हैं यदि आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है तो क्या होगा, ग्रोथ और उसकी जो फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट है वो तो मैंने जैसे बताई वैसे दोनों की सेम रहेगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक जो बच्चा होता है, एक सेक होती है, वो अपने आप डिसॉल्व हो जाती है और सिर्फ एक ही बच्चा आगे कंटिन्यू कर पाता है। तो एक वीक में आपको शायद ये भी बदलाव देखने को मिले कि जो एक बच्चा है वो डिसअपियर भी हो जाती है, सेक बिल्कुल भी दिखाई ना दे, तो वहाँ पर ट्विन प्रेगनेंसी नहीं कहलाएगी, सिर्फ एक ही प्रेगनेंसी कन्फर्म है। और यदि दोनों बच्चों है, दोनों सेक अच्छे से दिखाई दे रही है, उसमें दोनों बच्चे भी आ गए, दोनों के हार्ट बीट भी है कंप्लीट है, तो आपको ट्विन प्रेगनेंसी है ये हम बोल सकते हैं। तो ये ट्विन प्रेगनेंसी में आपको क्या करना है, सारे सिम्टम्स आपके डबल होंगे, सारे ग्रोथ जो चाहिए वो भी डबल होगा, और आपको जो भी न्यूट्रिशन होगा वो भी आपको डबल लेना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं आपके साथ क्या क्या सिम्टम्स हो रहे होंगे, आपको क्या क्या करना है इस वीक में। तो मैंने जैसे पहले बताया वैसे अभी तक गायनेक को अपने नहीं मिला है, तो पहले वहाँ पर जाइए, गायनेक को मिलिए, सोनोग्राफी करवाइए। ब्लड टेस्ट नहीं हुए हैं अभी तक तो ब्लड टेस्ट कराना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपका हीमोग्लोबिन कम होगा, आपका विटामिन लेवल कम होगा, तो आने वाले बच्चे का विटामिन लेवल भी अच्छा नहीं होगा, उसका भी हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा नहीं होगा, उसका ग्रोथ अच्छा नहीं होगा। तो अभी तक ब्लड टेस्ट नहीं कराए तो करवा लीजिए, कौन से ब्लड टेस्ट कराने चाहिए, पहले गायनेक विजिट में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, उसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, तो उसके लिंक मैं यहाँ पर रख दूंगी, आप वहाँ पर देख लेना आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, क्या क्या लेके जाना है डॉक्टर के पास,
और आपको क्या क्या उसको पूछना है, उससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, वो सब मैंने डिटेल में बताया है। तो वीडियो डिटेल में देख लेना और अपने गायनिक के पास जाके वो सब चीज़ कन्फर्म कर लेना। तो जैसे मैंने आगे बताया वैसे आपकी एबोर्शन की हिस्ट्री रही है पहले भी, तो आपको प्रोजेस्टेरोन एक्स्ट्रा लेना होगा। तो आपके गायनिक के पास जाएंगे, वहाँ पर आपको वो डुफास्टोन करके टेबलेट आती है, बहुत सारी टेबलेट होती है, वो प्रोजेस्टेरोन की टेबलेट ऐड कर देंगे ताकि आपको मिसकैरेज के चांसेस ना हो। तो ये सब टेबलेट आपको इस महीने से स्टार्ट कर देनी है। और फिर दूसरा आपको क्या क्या खाने में ध्यान में रखना है। अभी आपको खाने में क्या है, बहुत सारी चीज़ें अल्टर हो गई होगी, यानी कि आपकी क्रेविंग चेंज हो गई होगी। किसी को मीठा बहुत अच्छा लगता है, किसी को स्पाइसी, किसी को बहुत ही नमकीन अच्छा लगता है। तो जैसे यदि आपका टेस्ट चेंज हुआ है उसके साथ आप कोप अप कर लो, जो अच्छा लगता है वही खाओ। ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी है तो डबल खाना है, मुझे नहीं अच्छा लगता तो भी खाना है क्योंकि मेरे अंदर बच्चा है, उसके लिए ग्रोथ चाहिए, चाहे वोमिटिंग हो जाए तो भी मैं खाती रहूँगी, ऐसा नहीं है। जो भी अच्छा लगे, जितना भी आप खा सको, जितना आप टॉलरेट कर सको उतना खाइए। यदि वोमिटिंग में सब बाहर आ जाएगा तो जो खाया उसका कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा। तो जब तक आपको जो अच्छा लगे वो खाइए। यदि बहुत ज़्यादा वोमिटिंग की आपको कंप्लेन है तो डॉक्टर के पास जाके वोमिटिंग के लिए दवाई आती है वो लिखाइए। और हाँ, बहुत ज़्यादा आपको वोमिटिंग हो रही है तो उसके लिए देसी घी बहुत काम करता है, काऊ का देसी घी आप खाइए। किस तरह से, आप एक आधा कप पानी बोल कीजिए, उसके अंदर एक चम्मच गाय का देसी घी डाल दीजिए और आपको सुबह सुबह वो खाली पेट पी लेना है। यदि आपको वोमिटिंग की कंप्लेन है, घी निकल जाता है, तो आप 10 बजे 12 बजे पूरे दिन में कभी भी ले सकते हैं, लेकिन एक चम्मच गाय का देसी घी आप खाइए। उससे क्या होगा, आपको नोजिया वोमिटिंग की कंप्लेन नहीं होगी। दूसरा, आपको जो कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रहती है जो प्रेगनेंसी में कॉमन है वो नहीं रहेगी, आपका पेट अच्छे से साफ होगा, आपको भूख ज़्यादा अच्छे से लगेगी, आप खा पाएंगी और जो भी आप खा रही है न्यूट्रिशन वो बच्चे तक अच्छे से पहुंच जाएगा, क्योंकि डाइजेशन अच्छा होगा तो ही एब्जॉर्ब होगा आपकी बॉडी में सब। तो एक चम्मच गाय का देसी घी आपको ऑलवेज जब तक प्रेगनेंसी है तब तक पीना ही है, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है और बहुत सारी मेडिसिन बंद करवा देगी। यानी कि आप कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन ले रही वो बंद हो जाएगी, यदि आप वोमिटिंग के लिए एक्स्ट्रा मेडिसिन बहुत ज़्यादा ले रहे वो बंद हो जाएगी, भूख लगने की बोतल बंद हो जाएगी। तो ये सब बहुत सारी मेडिसिन एक चम्मच गाय का देसी घी आप वो बंद करवा सकती है। तो गाय का देसी घी आप ऐड कर दीजिएगा अपने खाने में। दूसरा, आपको फ्रूट्स खाने हैं सुबह, जब आप नाश्ता कर ले उसके बाद सीधे दोपहर में खाना ऐसा नहीं, बीच में आप कोई भी एक सेशन रख लो 10 बजे या 11 बजे, आपको क्या करना है फ्रूट खा लेना है। और फ्रूट ऐसे ही खाने, यदि अच्छा ना लगे तो उसके ऊपर आप कुछ भी नमकीन वगैरह डाल सकते, यानी कि नमक डाल दो या फिर आमचूर पाउडर डाल दो। तो आपको फ्रूट खाने हैं। फिर आपको ड्राई फ्रूट भी ऐड करने हैं आपके खाने में, वो किस तरह से, रात को भिगो दे, सुबह उठकर आपको ड्राई फ्रूट खा लेने हैं। दूध आपको 2 कप पीना, यानी कि सुबह एक बार आपको दूध पीना है 1 गिलास, रात में 1 गिलास। तो दूध बढ़ा देने से बच्चे को कैल्शियम वगैरह अच्छा मिलेगा। तो ये आपको खाने में इतनी चीज़ें ऐड करनी है। क्या क्या नहीं खाना है तो इसकी कोई भी लिमिट नहीं है कि ये नहीं खाना है। एक हाँ, रो पपैया आप नहीं खा सकते जब तक 3 महीने कंप्लीट नहीं हो जाते। यदि पका हुआ है अच्छा है तो आप पपाया खा सकती है, लेकिन रो पपाया पहले 3 महीने में अवॉइड करना है। दूसरी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको अवॉइड करनी है, सब आप प्रेगनेंसी में खा सकती है जो आपको अच्छी लगे। आपको पूरा दिन पानी ज़्यादा पीना है, क्योंकि यदि आप हाइड्रेटेड रहेगी तो ही आपकी बॉडी अच्छे से ये हॉर्मोन के साथ कोप अप कर पाएगी, क्योंकि जो बीटा एसजी का लेवल बड़ा होगा उसकी वजह से आपको वोमिटिंग भी ज़्यादा हो रही होगी। तो जो पानी बाहर निकल जाएगा और आप पानी नहीं पियेंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो और आपको हेडेक की तकलीफ होगी, थकान ज़्यादा लगेगी, आपको वीकनेस ज़्यादा फील होगी। तो जितना सके उतना ज़्यादा पानी पीजिए। अकेला पानी अच्छा नहीं लगता, उसके साथ नींबू डाल दीजिए या फिर ग्लूकोज पाउडर आता है वो डाल दीजिए, ताकि आपको पानी भी अच्छा लगे और बॉडी को थोड़ी सी एनर्जी भी मिल जाए। तो आपको इस वीक में ये ध्यान रखना है। अब दूसरा, आपको क्या क्या सिम्टम फील रहे होंगे, तो जैसे मैंने आगे बताया वैसे वोमिटिंग आपको होगी, मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होंगे, आपको छोटी छोटी बात बहुत ज़्यादा इरिटेट करेगी, तो इसके साथ कोप अप हो जाए, क्योंकि जब तक प्रेगनेंसी है इरिटेशन लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा आपका, तो उसके साथ एडजस्ट हो जाइए। मेडिटेशन आप स्टार्ट कर दीजिए, अभी तक नहीं की है कोई बात नहीं, अब मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए, योगा वगैरह कीजिए, प्राणायाम कीजिए, उससे आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी, आपका माइंड है वो भी कूल एंड काम रहेगा। तो इरिटेशन लेवल इस
वीक में थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उसके साथ कोप अप करना सीख लीजिए। फिर आपके ब्रेस्ट चेंजेस होंगे, वहाँ पर थोड़ा सा आपको पेन भी महसूस होगा, तनाव महसूस होगा, तो ब्रेस्ट चेंजेस भी ज़्यादा हो गए और आपको जो यूट्रस है उसकी साइज भी बड़ी हो जाएगी, उसके अंदर ब्लड फ्लो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि अंदर बच्चे की जो साइज बढ़ती है उसके साथ कोप अप करने के लिए यूट्रस अपनी साइज भी बढ़ाता है, वहाँ की ब्लड फ्लो होता है, ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है और उसी के साथ आपका जो ब्लैडर होता है वहाँ पर भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो आपकी जो बाथरूम विजिट है वो बढ़ जाएगी, थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको कोई कंप्लेन हो रही है, आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट सिस्टम भी रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी मैं डिटेल रख दूंगी, आप वहाँ पर जाके अपने अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी बात का टेंशन मत लो, हर बात का सोल्यूशन होता है। तो अब बारी है टुडेज नानीज नोट की, यानी कि जैसे मैंने आगे वीडियो में बताया है, आज हमें बात करने वाले हैं गाय का देसी घी के बारे में। यदि आप काऊ घी पियेंगे प्रेगनेंसी में, जैसे मैंने वीडियो में बताया है, तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही स्मूथ रहेगी, कोई भी तकलीफ नहीं होगी, दवाइयाँ बहुत कम हो जाएगी। तो आज ही आप नानीज नोट अपनाइए, यानी कि गाय का देसी घी पीना स्टार्ट कर दीजिए। और हाँ, इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो ताकि आपकी प्रेगनेंसी और भी ईजी रहे, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। अपने जितने भी फ्रेंड फैमिली मेंबर में प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है उसको वीडियो शेयर करना भी मत भूलेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, बाय।